हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट यानी ग्रुप सी पोस्ट के लिए, और यहाँ पर ड्राइवर पोस्ट के लिए बात करेंगे जो कि ग्रुप सी में ही आती है। यहाँ पर बात करेंगे स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में दोनों मिलाकर के ये जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो इसमें चर्चा करने वाले हैं। और जो 2017 की वैकेंसी थी उसका क्या रहा था कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, तो उसमें भी चर्चा करने वाले हों। और इस बार जो 2018 की भर्ती है, इस भर्ती में 2017 की अपेक्षा क्या कुछ कम रह सकती है कट ऑफ, तो ये भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन को दबा करके हमसे जुड़ जाएं, और बगल में बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले चर्चा करेंगे कि जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में वैकेंसी कितनी है। यहाँ पर है 1484 वैकेंसी, यानी मान सकते हैं कि यहाँ पर 1500 वैकेंसी है। और ड्राइवर पदों की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 40 पोस्ट हैं, केवल 40 पोस्ट हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और यहाँ पर बात करेंगे कि जो स्टेज फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का था और 100 क्वेश्चन थे। ग्रुप सी वालों की बात करेंगे यहाँ पे अभी, और टाइपिंग टेस्ट में बात करेंगे 25 नंबर का आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होना था, और 25 नंबर का आपका हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी टाइपिंग टेस्ट होना था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बात करेंगे ग्रुप सी, जिसमें आपकी पोस्टें हैं 1484 पोस्टें हैं, और ड्राइवर पोस्ट की बात करेंगे तो 40 पोस्टें हैं, बहुत कम पोस्ट हैं देखा जाए तो, और बहुत अधिक यहाँ पर कंपटीशन है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन ड्राइवर पोस्ट में है, तो इसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाएगी, काफ़ी कट ऑफ हाई रहने वाली है। और यहाँ पर अब देखिए बात करेंगे ग्रुप सी के लिए, मेरे को बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी इसलिए मैं फिर से ये पहला कट ऑफ है जो कि मैं फाइनल। यहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि मैं ये गारंटी लेके नहीं कह सकता हूँ कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये बता सकता हूँ कि 2017 की जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चर्चा करेंगे कितनी रह सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं बोर्ड से नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ बोर्ड से मुझे जानकारी मिल गई इतनी कट ऑफ रह सकती है, ये एक प्राइवेसी होती है, और इसमें कोई भी बात रिजल्ट आने तक कोई भी चर्चा नहीं की जाती है इसमें, ठीक है। तो वहाँ से कोई भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन या कहीं से जो भी चैनल में बताया जा रहा है तो वो फेक है, ठीक है। तो एक यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी रह सकती है, 2017 की कितनी रही थी, वहाँ से कट ऑफ तो नहीं जारी किया गया था, लेकिन ये मैं देखिए 2017 की भी मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं इतना तो अनुमान लगा ही लिया है कि हाँ किसका किसका सिलेक्शन हुआ था और कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक दो नंबर से रह गए थे। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि जो सबसे कम वैकेंसी है वो ड्राइवर पोस्ट में है, और यहाँ पर पहले ग्रुप सी पोस्ट की बात करेंगे तो बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि कट ऑफ के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेज फर्स्ट जो आपका हुआ था वो 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे तो टाइपिंग टेस्ट जो आपका हुआ था वो हिंदी और इंग्लिश का हुआ था, इसमें 25-25 मार्क्स थे हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो टोटल यहाँ पर बात करेंगे आपका 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल मिलाकर के 150 हुए, तो आपकी कैसी क्या इसमें कट ऑफ रह सकती है, और 2017 में कैसी क्या थी जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, तो उसकी कट ऑफ कैसी क्या रही थी जो 2017 वाली वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए पहले तो बात कर लेंगे यहाँ पर जो ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। तो ड्राइवर में यहाँ पर स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ वो 100 मार्क्स का था और 100 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के बाद में जो यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए थे यहाँ पर, ये मान लीजिए कि 100 से 150 कैंडिडेट केवल सेलेक्ट हुए थे 40 पोस्टों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या रहा है कि 4 से 5 गुना कैंडिडेट, 6 गुना इससे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अब पिछली बार 2017 की जो वैकेंसी थी वो उसमें ऐसा हुआ था कि 6 से 7 गुना और 7 से 8 गुना भी कैंडिडेट थे किसी किसी वैकेंसी में। तो यहाँ पर देखिए 2000 के आसपास वैकेंसी थी पहले 2017 में, तो इस प्रकार वैकेंसी भी कम हुई है, तो यहाँ पर और बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ है बोर्ड का, तो इस बार ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किए गए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं ग्रुप डी पोस्ट के लिए, तो ग्रुप डी पोस्ट के लिए ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाला, ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं दिए गए, केवल यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट पास करना था, उसके बाद में जो कट ऑफ जारी होगा वो स्टेज फर्स्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये केवल पास आउट करना था जो ड्राइविंग टेस्ट है। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये बात करेंगे जो ड्राइवर पोस्ट है ग्रुप सी से, तो उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल के लिए बात करेंगे तो 94 प्लस माइनस रह सकता है, और जो पिछली बार था उसी की अपेक्षा लिया गया है। और यहाँ पर ओबीसी की बात करेंगे तो 92 प्लस माइनस रह सकता है, और एससी की यहाँ पर बात करेंगे तो 89 प्लस माइनस रह सकता है कट ऑफ,
और एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 87 प्लस माइनस रह सकता है। और एक्स सर्विसमैन जो हैं इनकी वैकेंसी 1 से 2 मैक्सिमम 4 वैकेंसी थी, तो इसमें ओपन नहीं किया गया था कितनी वैकेंसी है, लेकिन मैक्सिमम 4 से 5 वैकेंसी रहती हैं, इससे ज़्यादा सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं रहती क्योंकि इसमें 40 पोस्ट थी ओनली। तो 40 के अपेक्षा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 85 प्लस माइनस रह सकता है एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी ग्रुप सी की है, तो ग्रुप सी की क्या कैसा क्या कट ऑफ रह सकती है जो कि अनुमान लगाया है मैंने, पिछली बार भी ऐसी कुछ रही थी तो उसकी अपेक्षा इस बार क्यों कम रह सकती है, थोड़ी बहुत कम रह सकती है। और इस बार ऐसा है कि ट्रिपल सी भी ले लिया गया है, ट्रिपल सी की अपेक्षा क्योंकि फॉर्म जो है पिछली बार से इस बार कम पड़े हुए थे, ठीक है, तो ट्रिपल सी ले लिया गया है। ट्रिपल सी में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जो डेट दी गई थी कि इस डेट के बिटवीन ही होना चाहिए, अगर इस डेट से बाद का है या उससे पहले का होना चाहिए तो चलेगा, उससे बाद का है तो फिर वो उसमें नहीं लिए जाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब होगा तो वो वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हम तो बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे केवल, बाकी वो डॉक्यूमेंटेशन की बात बाकी बाद में करेंगे, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जनरल की बात करेंगे तो 138 प्लस माइनस रह सकता है, और ओबीसी की यहाँ पर बात की जाए कट ऑफ तो 135 प्लस माइनस रह सकती है। एससी की बात करेंगे तो यहाँ पर 131 प्लस माइनस रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अब अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है और उसने 90 प्लस मार्क्स गेन किए स्टेज फर्स्ट एग्जाम में, तो टाइपिंग की बात करेंगे तो टाइपिंग जिस हिसाब से इसमें ली जा रही थी तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हाँ प्रैक्टिस जिनकी अच्छी है उन्होंने 138 से भी यानी उन्होंने अगर 30 और प्लस 24 नंबर भी यहाँ पर गेन कर लिए होंगे तो कुल मिलाकर के अप्रॉक्स यही बैठता है जाकर कि 140 प्लस या 138 प्लस ही रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि 140 प्लस रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन वैकेंसी की अपेक्षा देखा जाए तो इतनी रह सकती है क्योंकि जो इलाहाबाद बोर्ड की कट ऑफ है वो बहुत हाई रहती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, या कुछ लोग जो इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 2017 के लिए भी फाइट की होगी और वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे लेकिन उन्होंने और मेहनत करी। चलिए यहाँ पर देखिए बात करेंगे, कुछ लोग तो टाइपिंग से रह गए थे क्योंकि मेरे भी मिलने वाले हैं कई लोग जो जिसमें से 2-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टाइपिंग से रह गए थे। और यहाँ पर देखिए एससी की मैंने बताई 131 से प्लस माइनस रह सकती है, और एसटी की यहाँ पर बात करेंगे तो 129 से प्लस माइनस रह सकती है, और फीमेल की 132 यानी 132 से प्लस माइनस रह सकती है, और एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो 125 से प्लस माइनस रह सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी कुछ भी समस्या हो तो कमेंट करके देखिए। ये जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर आपको बताई है वो पिछले 2017 की जो वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग ही रही है, 1-2 नंबर मैंने कम ज़्यादा किए हैं तो उसी की अपेक्षा, मतलब जो अनुमान लगाया गया था उसी के अनुमान लगा के मैंने ये जो कट ऑफ है वो आप लोग को बता रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो है अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू बना के रखें, ठीक है, किसी एक वैकेंसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बाकी अपना एक कॉन्फिडेंट होता है। चलिए तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन को दबा करके हमसे जुड़ जाएं, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर एनटीपीसी के लिए भी और टीम हमारी जो है वो प्रिपरेशन की वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही है, तो ज़रूर वॉच करें। धन्यवाद।